अपने एक्टिंग के दम पर, ना कि हीरो के साइड में खड़े होकर या किसी तरह के आइटम नंबर से माइलेज खाकर मैंने काम किया है, कभी भी नहीं। जहां तक इनका काम है वो लोगों को बहकाना, बहलाना, फुसलाना, वो तो हमने पहले भी देखा हुआ है। अगर वो मुझे किसी और से मिला रहे हैं तो किसी और से तो मुझे कभी फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं मिला सके। सनी देओल की एक पोस्ट को कह रहे हैं कि आपदा में नहीं थी, अब शायद मुंबई जाना पड़ेगा। हम मैदान में उतर पड़े हैं और मुझे लगता है कि और यहाँ पर तो सीधा मुकाबला कांग्रेस से। चुनौती तो हर फील्ड में होती है, तो उसके लिए मैं नहीं चाहती, मैं नहीं सोचती कि हीरोइन होना मेरे लिए कोई ड्रॉबैक है। कंगना जी किस तरह से देखते हैं अभिनेत्री अब नेत्री? देखिए, जब मैं फिल्म शूट पे होती हूँ तब तो मैं एक अभिनेत्री हूँ, लेकिन एक अभिनेत्री बनना या इस उस एक एक जो फील्ड है जिसमें कामयाबी पाने के, असफल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और कामयाबी पाने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, अगर मुझे वहाँ कामयाबी मिली है तो मेरे मेरे जो मेहनत करने का तरीका है या मैंने जो सम्मान पाया है या मैंने फिल्मों में भी अपने तरीके से एक जो एक्टिंग करके या महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करके आज मुझे लोगों ने अगर अपना प्रतिनिधि चुना है, यहाँ पे प्रत्याशी चुना है, तो उसके लिए मैं नहीं चाहती, मैं नहीं सोचती कि हीरोइन होना मेरे लिए कोई ड्रॉबैक है। मैं सोचती हूँ कि उसी जगह से मुझे ये मुकाम मिला है और लोगों ने मुझ में फेथ दिखाया है, लोगों ने मुझ में किसी तरीके का एक विश्वास दिखाया है। चुनौती तो इसमें भी ज्यादा है जो आपके करियर में अब तक रही है, किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को? और यहाँ पर तो सीधा मुकाबला कांग्रेस से। चुनौती तो हर फील्ड में होती है और ये जो है बाकी तो निर्णय तो जनता का ही रहेगा, हम तो जनता के सेवक हैं। हम मैदान में उतर पड़े हैं और मुझे लगता है कि अगर मुझे मेरी जन्मभूमि में लोगों की सेवा करने का अवसर मिले, उनकी किसी तरह से भी अपना जो वक्त है पूरा अगर मैं अपनी मातृभूमि की सेवा में लगा दूं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन अब ये लोगों का निर्णय है वो किसको मौका देंगे और किसको नहीं। ये जाहिर सी बात है कि अब प्रतिभा सिंह ही आपके खिलाफ होंगी। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं सनी देओल की एक पोस्ट को, कह रहे हैं कि आपदा में नहीं थी, अब शायद मुंबई जाना पड़ेगा। देखिए, अगर वो मुझे किसी और से मिला रहे हैं तो किसी और से तो मुझे कभी फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं मिला सके। जो भी आज तक किसी हीरोइन ने किया है मैंने उससे अलग होकर अपने एक्टिंग के दम पर, ना कि हीरो के साइड में खड़े होकर या किसी तरह के आइटम नंबर से माइलेज खाकर मैंने काम किया है, कभी भी नहीं। तो मेरे जो काम करने का तरीका है वो मेरा है और किसी भी दूसरे लोगों का एग्जाम्पल मेरे काम में मत दीजिए, मेरे काम में सिर्फ मेरा एग्जाम्पल दीजिए। और जहां तक इनका काम है वो लोगों को बहकाना, बहलाना, फुसलाना, वो तो हमने पहले भी देखा हुआ है। आज मेरा ये घर है मंडी, यहाँ पे आप देखिए मैंने मंदिर बनवाया, मैंने मनाली में मेरा घर है, मेरी बहन कुल्लू में रहती है, सुलपुर में उसकी शादी हुई है, हर यहाँ पे हर जगह गांव-गांव में मेरे रिश्तेदार हैं। क्या मैं यहाँ आती, मेरे भाई की शादी कहाँ हुई, मैं क्या यहाँ हर महीना नहीं आती? तो इस तरह की जो बहकावे की जो बातें हैं ये जो कांग्रेस पार्टी की है, इसमें मैं चाहूंगी कि हमारे हिमाचल के भोले भाले लोग ना पड़े और उनको जो है उस दिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन करारा जवाब दें। आपकी पार्टी के कुछ लोग नाराज भी है, बगावत की बात कही जा रही है। ऐसी कोई बगावत के बारे में मैंने तो नहीं सुना और जो सब हैं वो हमारे अपने ही हैं और कोई गिले शिकवे होंगे वो भी दूर किए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, अब हमारा जो जितना भी एजेंडाज होंगे वो हम बहुत जल्दी ही क्लियर करेंगे, लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो सरका घाट में काम करने के लिए तो बहुत है, आप लोगों को भी पता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो सड़कें हो, रोड्स के, तो काम तो बहुत है करने के लिए, जितना जल्दी शुरू हो जाए उतने बेटर। शुक्रिया और शुभकामनाएं। तो कंगना रनौत इस वक्त हमारे साथ थी, बेबाकी से इन्होंने जो है अपनी बात रखी है और साथ में जो जो सवाल इन पर उठाए गए हैं उसको लेकर भी किस तरह से इन्होंने जवाब दिया है। अब देखना होगा कि शुरुआत कंगना रनौत ने कर ली है, अब आगे आगे देखना होगा कि ये सफर कितना आगे तक जाता है। सरका घाट से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल।